हाँ जी, हम लोगों ने जिस दुनिया में लक्ष्मी नारायण का पाठ और शक्तिकल में भजन बने, लक्ष्मी नारायण का शक्तिकल पाठ भजन बने, उन संसार पाठ के लिए राम जी का आत्मा इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और आत्मा की देह और स्वर क्या शंकर पार्वती तब तक का पाठ है जब तक की स्थापना और विनाश का काम पूरा नहीं हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो संपन्न रूप सामने आता है, उसे कहते हैं नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। फिर आगे कुछ भी करने का पुरुषार्थ नहीं रहता, संपूर्ण ब्राह्मण सो संपूर्ण देवता बन जाता है। जब तक संपूर्ण देवता नहीं बना
तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। कोई संपूर्ण देवता बन जावेंगे, कोई नंबरवार देवता बनेंगे, संपूर्ण की पूजा होती है, अपूर्ण नारायणों की पूजा नहीं होती है, उनकी मूर्तियां भी नहीं बनती, उनका पुरुषार्थी जीवन भी नहीं दिखाया जाता। क्योंकि शंकर को तो याद में बैठा हुआ दिखाया गया है, लक्ष्मी नारायण कोई याद में बैठे हैं क्या? याद में बैठे हैं माना पुरुषार्थी है, तपस्या में बैठे हैं, जिनकी तपस्या पूरी हो गई, उनकी आत्मिक स्थिति संपन्न स्टेज को पहुंच गई। एक बार संपन्नता प्राप्त होने के बाद फिर 2500 वर्ष तक वो स्टेज कायम रहती है आत्मिक स्थिति की। स्पष्ट करके बोलो, जोर से बोलो। सरकार में धर्मराज का पाठ बजाने वाले संविधान में किसी श्रेष्ठ वकील की तरह पारंगत होना चाहिए, और श्रेष्ठ वकील कौन है और कितना है? क्या श्रेष्ठ वकील आज यहाँ संविधान कौन सा है? ब्राह्मणों की दुनिया का संविधान कौन सा है? ब्राह्मणों की दुनिया का संविधान है मुरली, और मुरली के महावाक्यों में जो जितना पारंगत होगा वो उतना ही बड़ा वकील है। पहले तो अपने को छुटकारा दिलावे, हम सब जेल में पड़े हुए हैं। रावण की जेल है, कंस की जेल है, उस कंस की जेल में पहले खुद का छुटकारा हो, साथ साथ दूसरों का भी छुटकारा करने वाला बने। वकील लोग होते हैं, उनका धंधा ही क्या होता है? फंसे हुए को छुड़ाना, वो तो हद के वकील हैं, हद की कमाई करते हैं, और यहाँ तो बेहद की कमाई है अनेक जन्मों की। जितना जितना अपने को छुड़ाते जावेंगे, औरों को भी छुड़ाने में समर्थ बनते जावेंगे। उसके लिए चाहिए ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा, जो ज्ञान में जितना तीखा होगा उतना बड़ा वकील बनेगा। धर्मराज बाप का सहयोगी बनेगा, और जिस सर्विस के द्वारा सारी दुनिया का विनाश होगा,
मिसाइल्स, शास्त्रों में लिखा है यादवों के पेट से मूसल निकले, उन्होंने समझ लिया है स्थूल पेट से मूसल निकले, लेकिन है बुद्ध रूपी पेट, तो बुद्ध रूपी पेट से जो दुनियावी यादव हैं, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि, उनके बुद्ध रूपी पेट से ये मिसाइल से निकलते हैं, जिससे समझ में आता है कि सारी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। वो तो होगा स्थूल विनाश, लेकिन उसकी सूक्ष्म रूपरेखा हम ब्राह्मण तैयार करते हैं। दुनिया का हर काम पहले सूक्ष्म में होता है, फिर स्थूल में होता है। जैसा नक्शा सूक्ष्म में बनाया जाएगा कागज के ऊपर, वैसी स्थूल में बिल्डिंग बाद में खड़ी होगी। तो ये विनाश का भी कारोबार है। लिखा हुआ है शंकर द्वारा विनाश। अब शंकर तो विनाश नहीं करते हैं स्थूल में, फिर उनके गायन में कहते हैं हर हर बम बम, इसका मतलब है ज्ञान के सूक्ष्म पॉइंट, सूक्ष्म रूपरेखा तैयार होती है बुद्ध रूपी पेट में, और जो सूक्ष्मता तैयार होती है उस सूक्ष्म से ही पुरानेपन का विनाश हो जाता है। नहीं तो पुरानी परंपराओं का, पुराने भक्ति मार्ग के कर्म कांडों का आज तक कोई विनाश नहीं कर सका। वो ही घिसी पिटी परंपराएं चलती चली आ रही है, लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान ऐसा है, इसमें जितना ही ज्यादा मनन चिंतन मंथन करते जाते हैं, बुद्धि खुलती जाती है और पुरानी परंपराओं का नाश होता जाता है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता जाता है। स्थूल बम, स्थूल एटम से निर्माण होता है, और ये है ज्ञान के सूक्ष्म बम, ये आत्म बम से तैयार होते हैं। वो है एटम जिससे एटम बम बनते हैं, और ये है आत्म जिससे आत्मारूपी बम तैयार होते हैं। बड़ी बड़ी पावरफुल आत्माएं हैं, सारी दुनिया ध्वंस को पावेगी, और ये पावरफुल आत्माएं ध्वंस नहीं होंगी, जीते जी स्वर्ग में जावेंगी। बुद्धि की विशालता की बात है, जो बुद्धि जितनी विशाल होती है उतनी ही सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म बुद्धि बनती है बाप की याद से, फिर साकार में आने से विस्तार स्वतः ही हो जाता है।
शास्त्रों में लिखा हुआ है यादव बड़े बलवान थे, बड़े धनाढ्य थे, ऊंची महलमाणियों अटारियों वाले थे। उनका हेड दिखाया जाता है शंकर, जैसे कोई भी देश में जो राजा होता है या जो भी राज्य सत्ता होती है उसकी सबसे बड़ी शक्ति सेना मानी जाती है, मिलिट्री मानी जाती है। मिलिट्री की पावर से सारा राज्य चलता है। सत्ता कायम बनी रहती है। ऐसे ही हम रूहानी ब्राह्मणों की मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री। उस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। नंबर वार बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। जैसे उस मिलिट्री में छोटा ऑफिसर अपने से ऊंचे बड़े ऑफिसर को क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसे रूहानी मिलिट्री भी है। ये पावरफुल मिलिट्री जब एक बार अनुशासन में बन जाएगी, एक सूत्र में बन जाएगी, एक स्नेह के धागा में पिरोई जाएगी, तो दुनिया का बड़े से बड़ा संगठन तैयार हो जाएगा। इनके सूक्ष्म वाइब्रेशन से वो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े विस्फोट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनकी रूहानी ताकत उन्हें जिस्मानियों में ताकत लागे देगी। जो काम स्थूल से नहीं होता है वो काम सूक्ष्म शक्ति से संपन्न हो जाता है। एक होता है सेवा करने वाला, एक होता है जिसकी सेवा की जाती है, और एक होता है सेवा करने वाले को सहयोग देने वाला, पावर देने वाला, जिसकी याद में रह करके सेवा करेंगे तो सेवा सफलीभूत होगी। देवान में रह करके सेवा का कोई फल नहीं निकलता। बाप की याद में रह करके जो सेवा करेगा तो जिसकी सेवा करेगा वो कितना ही पतित क्यों न हो उससे वाइब्रेशन से अभिभूत नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। तो सेवा करने वाले का असर
दूसरे पर पढ़ना चाहिए या सेवाधारी के ऊपर पढ़ना चाहिए? सेवा वो है जो ईश्वर के सहयोग से, ईश्वर की याद से दूसरे का परिवर्तन करके दिखा दे। जिसकी सेवा करते हैं उसकी याद से हम खुद ही प्रभावित हो जावे, उस सेवा को देह अभिमानी के द्वारा की हुई सेवा कहेंगे या आत्माभिमानी के द्वारा की हुई सेवा कहेंगे? क्या कहेंगे? बाप तो कहते हैं जो बच्चे हिम्मत करते हैं मैं उनको 100 गुना आगे बढ़ के मदद देता हूं, लेकिन अहंकार पूर्वक नहीं, निरहंकारी आत्मा बनकर आत्म की स्थिति में रह करके हिम्मत करेंगे तो बाप आकर के दृष्टि का फोर्स देते हैं, वाचा का फोर्स देते हैं, वाइब्रेशन का फोर्स देते हैं। ऐसी आत्मा जो ईश्वरीय फोर्स लेने वाली बनती है वो दूसरे की पक्की सर्विस कर सकती है, प्रभावित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं कि जिसकी सेवा करे उसके वाइब्रेशन से खुद ही प्रभावित होने लगे। ऐसे तो हम सब तमो प्रधान आत्माएं हैं, तमो प्रधान आत्मा ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकती। ईश्वरीय सेवा करने के लिए बाप दादा सहयोगी बनते हैं। जब बाप दादा स्वयं सहयोगी है, 5 पांडवों का भगवान बाप सहयोगी बनता है तो भले सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी 5 पांडव विजयी हो जाते हैं। वो आत्मिक स्थिति के आधार पर विजयी होते हैं या देवान के आधार पर विजयी होते हैं? मैं सेवादारी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैंने ये ज्ञान दिया, तो दूसरे के ऊपर प्रभाव तब पड़ेगा जब हमें ईश्वर का आधार लेकर के सेवा करेंगे। दूसरे की याद हमारी बुद्धि में आ जाए, जिसकी सेवा करते हैं वो की उसकी याद हमारी बुद्धि में छपने लगे, ये तो ईश्वरीय सेवा नहीं हुई, ये तो आसुरी सेवा हो गई। की गीता से क्या होता है और शिव की गीता से क्या होता है? है? जोर से रिपीट करो, कुछ समझ में आ जाए बताए।
क्या बोल रहे हैं? हाबू स्टार्ट माने हम क्या जाने हाबू स्टार्ट क्या होता है? तुम्हारी भाषा है कुछ? पहले जो उड़िया जानने वाले उनको तो समझा दो, क्या पूछ रहे? चलो तब तक पूछ रहे दो। हाँ इंदिरा गांधी हो जो जगत का नाथ है, सारे जगत का स्वामी है, उसका जो स्थान होगा उस स्थान का संरक्षण करने वाले उसी के कुल के होंगे या बाहरी कुल के होंगे? बाहर के कुल के तो नहीं हो सकते। तो बाहर वालों को क्यों अंदर आने देंगे? जैसे पहले वाइब्रेशन खराब किया तो जगन्नाथ क्या बन गया? उनके संग के रंग में आने से क्या हो गया? भिखारी बन गया। फिर वही गलती बार बार करना है क्या? जगन्नाथ मंदिर की ही बात नहीं है, और बड़े बड़े मंदिरों में भी जब ज्यादा भीड़ होती है तो सोटे लगाते रहते हैं, मूर्ति के नजदीक नहीं जाने देते हैं, दूर से ही दर्शन करो और जाओ। बोलो उड़िया को इतने करो हाजी मूर्ति बनाई जाती है वो मूर्ति को जो बना दे राजा और रानी भूमिका में वो राजा रानी जगत में कौन? मूर्ति तो होती नहीं है, वो तो काली लकड़ी होती है पकी हुई जो 12 वर्ष नदी में पड़ी रहती है, उसे बनाने करने गढ़ने की बात नहीं होती है। लिंगाकार मूर्ति होती है, जैसे शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग पत्थर का होता है, वो लकड़ी की मूर्ति है। राजाएं महाराजाएं आज हैं कहाँ जो मूर्ति बनाएंगे? बोला
मानते हैं ना जी। देवी के साथ अष्टदेव होते हैं, अष्टदेवों के जो मंदिर होते हैं उनमें देवियां नहीं दिखाई जाती हैं, क्योंकि अष्टदेव निकलते हैं रुद्रमाला से, और रुद्रमाला सारी ही पुरुषों की माला है या स्त्रियों की माला है? पुरुष स्वभाव संस्कार वालों की माला है। इसलिए दक्षिण भारत में जो भी अष्टदेव के मंदिर हैं उनके साथ देवियां नहीं दिखाई जाती हैं। अपना थोड़ा क्या कमियों में ज्यादा से ज्यादा पुस्तक का पाठ हो जाते हैं, वैसे ही मैं आधा अथवा या अपना अपना थोड़ा जमीन ज्यादा से ज्यादा पुस्तक का पाठ हो जाए। कौन भैया था? भैया नंबर वार पुरुष वृत्ति वाले हैं और नंबर वार स्त्री वृत्ति वाले हैं। 108 रुद्रमाला के मण के नंबर वार पुरुष वृत्ति वाले हैं और 108 विजय माला के जो दाने हैं जिनमें रुद्रमाला के मण के मिक्स होंगे वो स्त्री स्वभाव संस्कार वाले हैं, हैं दोनों ही नंबर वार। जो अव्वल नंबर का होगा विजय माला में वो ज्यादा से ज्यादा स्त्री जन्म लेगा, और जो रुद्रमाला में अव्वल नंबर होगा वो ज्यादा से ज्यादा पुरुष जन्म लेगा। बाकी सतयुग त्रेता में तो बराबर बराबर ही नव जन्म होते हैं, वहां तो कोई अंतर पड़ता नहीं है। द्वापर कलयुग में आके अंतर पड़ जाता है, कोई के 42 जन्म पुरुष के हो सकते हैं, कोई के 42 जन्म स्त्री के हो सकते हैं। 42 जन्म पुरुष के होंगे तो 21 जन्म स्त्री के होंगे, 42 जन्म स्त्री के होंगे तो 21 जन्म पुरुष चोला धारण करना पड़े, फिर माला में नंबर वार। जितना जितना ऊंची स्टेज का मणका होगा उतना उतना ग्रेड बढ़ता जाएगा। मुरली ने बोला तुम ऐसे ही समझो, कैसे कैसे समझो? शिव बाबा कब आता है कब चला जाता है कुछ पता पड़ता है क्या? पता पड़ जाता है नहीं, तो तुम ऐसे ही समझो कि सदा इसमें शिव बाबा विराजमान है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो 108 में शिव नहीं प्रवेश करता, ना उसको सर्वव्यापी होने की दरकार है, मम्मा बाबा की आत्माएं प्रवेश करती है, बाप दादा प्रवेश कर सकते हैं। जन्मों में नीचे की होगी तो यहाँ आकर के बदल में नहीं।
कोई बात ऐसी अटकी हुई होती है बुद्धि में कि वो बात हटने में टाइम लग जाता है। वो संस्कार अगर पक्का हो जाए, क्लियर हो जाए, तो उसी सेकंड ब्रह्मा सु विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा माना कृष्ण की सोल 63 जन्मों में देखती आई, समझती आई कि गीता का भगवान कौन माना जाता है। भक्ति मार्ग में गीता का भगवान किसे माना गया? कृष्ण को माना गया। और संगम युग में भी आकर के वो आत्मा को ये पक्का निश्चय होता जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया की ज्यादा से ज्यादा बड़ी जयंती उसे कृष्ण अर्थात ब्रह्मा को ही फॉलो करती है और उसके द्वारा ही भगवान आकर के वाणी चलाता है। तो बुद्धि में और पक्का बैठता जाता है गीता का साकार भगवान गीता ज्ञानदाता कौन है? मैं ही हूं और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये बुद्धि में नहीं आता कि भगवान भगवान बन करके जब आता है सृष्टि पर तो कुछ परिवर्तन करते जाएगा या धर्म पिताओं की तरह ही आया राम गया राम होकर चला जाएगा, परिवर्तन करके जाएगा। वो परिवर्तन न धर्म पिताएं कर पाते हैं और न वो परिवर्तन ब्रह्मा के द्वारा होता है। पुरानी दुनिया को नया बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, ये एक प्रैक्टिकल बाप के कर्तव्य का काम है और कोई मनुष्य मात्र नरक को स्वर्ग नहीं बना सकता। भाषणबाजी बहुत अच्छी करके जावेंगे, अच्छी अच्छी बातें सुनाकर जावेंगे, लेकिन दुनिया नीचे ही गिरती चली जाती है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हो। जब ये बात बुद्धि में आ जाए कि भगवान का वो प्रैक्टिकल स्वरूप कौन सा है जिससे दुनिया की सदगति हो जाती है, हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि की सदगति हो जाती है। 5 तत्वों की भी सदगति हो जाती है। 5 तत्वों से बने हुए तामसी शरीर भी सात्विक बन जाते हैं, निरोगी कंचन काया बन जाते हैं। उन्हें परिवर्तन करने का निमित्त कौन? निमित्त माने साकार। ये बात बुद्धि में जब बैठ जाए, जिस सेकंड ये बात बुद्धि में पक्की बैठ जाए उसी समय ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। और एक जन्म गुजरा राधा कृष्ण से भी जो पहला जन्म है उससे भी पहला कोई जन्म है? राधा कृष्ण की डायनेस्टी से भी पहली डायनेस्टी कोई है? नहीं है, है ना? संगम युग में, तो संगम युग में राधा कृष्ण से भी ऊंची स्टेज है ना। राधा कृष्ण तो फिर भी
दृष्टि का सुख भोगते हैं जो शरीर का एक अंग है, अर्थात देह का सुख भोगते हैं। देह के शेष इंद्रिय का सुख भोगते हैं, लेकिन उनके जो माँ बाप हैं वो देह का अंश मात्र भी सुख नहीं भोगते। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, इंद्रियां देह का अंग है, वो देह के अंगों से कोई सुख नहीं भोगते, वाइब्रेशन के सुख में मस्त रहते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा में रहते हैं। इसलिए चढ़ती कला ही चढ़ती कला होती रहती है। और राधा कृष्ण की उतरती कला होती है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर से आने वाली जो नई नई आत्माएं होंगी वो नीची नीची स्टेज की आती जाएंगी, कम कलाओं वाली आती जाएंगी। इसलिए उन ढेर की ढेर आने वाली ऊपर से आने वाली आत्माओं का संग का रंग पुरानी आत्माओं को लगता रहता है और वो भी नीचे गिरती रहती है। जैसे कि प्योर सोने में 24 कैरेट सोने में कम कैरेट वाला सोना मिक्स कर दिया जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। भले सिल्वर नहीं मिक्स की गई, लेकिन कम कैरेट का सोना मिक्स करने से वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही सतयुग में बल सिल्वर एज की आत्माएं आकर के शंकर रंग नहीं लगाती, लेकिन कम कीमती सोना ऐसी आत्माएं मिक्स होती रहती है। वो अधूरी आत्माएं, उन अधूरी आत्माओं का जो हर जन्म में हर पीढ़ी में मुखिया होता है, जिसे नंबरवार नारायण कहते हैं, उनकी पूजा नहीं होती है, वो संपन्न नहीं है, उनको नहीं कहेंगे 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। डिग्रेड हो चुके, इसलिए उनके मंदिर नहीं बनते, उनकी पूजा नहीं होती। पूजा तुम बच्चों की होती है और डबल रूप में पूजा होती है, एक आत्मिक रूप में सालग्राम के रूप में और एक विग्रह के रूप में। जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं वो अकाल मौत को पाते हैं, तब सूक्ष्म शरीर बनता है। और अकाल मौत उनका होता है जो ज्यादा पाप करते हैं, उनका पाप करने का ग्रेड न बढ़ जाए, इसलिए अकाल मौत होती है और सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते हैं। कहां वो आत्माएं जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है अकाल मौत में, और कहां वो आत्माएं जो जन्म जन्मांतर ईश्वरीय संविधान के अनुसार चलती है,
कोई भी जन्म में सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का धारण नहीं करते। तो आत्माओं आत्माओं के ग्रेड में अंतर पड़ जाता है। कंपिल में भट्टी करने न जाए, माउंट आबू में आखिर में भट्टी करने आ जाए, बाप से आकर के सन्मुख दृष्टि ले ले, बाप की वाणी सुन ले, जो मुरली में बोला गया है मेरे अक्षर मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना, तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? ये कौन बोला? शिव बाबा बोला। और शिव बाबा जिस स्वर्ग की बात करेंगे वो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग का लक्ष्य देंगे या 15 कला स्वर्ग में आने के लिए बात बोलेंगे? 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में आने की बात कही कि जो मेरे मुख से दो अक्षर भी सुनेंगे वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? स्वर्ग माना 16 कला संपूर्ण स्वर्ग में। भक्ति नहीं की जो भक्ति करते हैं वो ही तो बाप के सन्मुख आते हैं। जिन्होंने भक्ति नहीं की होगी वो ज्ञान भी नहीं उठाएंगे। जिन्होंने सतोप्रधान भक्ति नहीं की होगी वो सतोप्रधान ज्ञान भी नहीं उठावेंगे। जिसने जितनी जास्ती भक्ति की होगी उतना ही जास्ती ज्ञान उठावेंगे। भट्टी हाँ, बाबा का घर एक है मिनी मधुबन और एक है महा मधुबन। कौन सा घर घर कहेंगे और कौन सा जंगल कहेंगे? दोनों ही घर है ना, है? जो आदि का फाउंडेशन है माउंट आबू का वो मिनी मधुबन के मुकाबले कम है क्या? और मिनी मधुबन की आत्मा ही तो इकट्ठी होकर के जावेंगी महामधुबन में। जहाँ सूर्यास्त का यादगार बना हुआ है वहां सूर्योदय नहीं होगा क्या? ये हो सकता है कि राम कृष्ण शंकर ये जो भी भगवान के अवतार हैं वो उत्तर भारत से प्रत्यक्ष होते हैं, इसलिए उत्तर भारत में आकर के जिन आत्माओं ने पुरुषार्थ कर लिया वो ऊंची ग्रेड की आत्माएं हो जाती हैं। रुद्र बाप के बच्चे हैं लेकिन वो अकेले थोड़े ही है, यथा राजा तथा प्रजा की स्टेज वाले हैं। उनके फॉलोअर्स तथा उनकी जिनकी जितनी भी प्रजा निकलेगी वो सब वैसे ही स्टेज वाले होंगे। पहले जन्म की प्रजा की भी कोई विशेषता होगी जो और जन्म की प्रजा में वो विशेषता नहीं होगी। माना सतयुग के ना राधा कृष्ण है, वो राधा कृष्ण वाली आत्माएं बेसिक नॉलेज तक ही सीमित रहेंगी। जब वो ही बेसिक नॉलेज तक सीमित है तो उनके जो फॉलोअर्स हैं या जो उनकी प्रजा है वो एडवांस में आने वाली बनेगी क्या? बनेगी नहीं बनेगी। फिर जब राधा कृष्ण की दिन ऐसी वाले ही एडवांस की स्टेज को नहीं प्राप्त कर सकते तो और जो नारायण है दूसरी दूसरी डायनेस्टी के सचिव में वो ऊंची स्टेज कैसे प्राप्त कर लेंगे? इसलिए बोला
ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। वो सातो नारायण है भक्ति का फाउंडेशन डालने वाले। सात इसलिए कहा कि वो सात सतयुग के पहले नारायण को भी प्रभावित करते हैं, परंतु पहला नारायण तो सोलह कला संपूर्ण बन जाता है। नर नारायण के संग का रंग लगने के कारण और दूसरे दूसरे जो नारायण हैं वो अव्वल नंबर का संग का रंग नहीं प्राप्त कर पाते। तो सब कन्वर्ट होने वाले हैं, उनकी प्रजा भी कन्वर्ट होने वाली है। कच्ची कमजोर आत्माएं हैं, इसलिए भारतवासी उन नारायणों की पूजा नहीं करते, उनके मंदिर नहीं बनाते, उनकी मूर्तियां नहीं बनाते। नर नारायण के राज्य की वो कितनी होगी है? और प्रजा की जनसंख्या कितनी होगी? नौ लाख में साढ़े चार लाख तो शरीर से है ही नहीं, उनका तो शरीर हो गया। तो प्रैक्टिकल में कितने हुए? साढ़े चार लाख। और साढ़े चार लाख में भी सब एक साथ तो प्रजावर्ग में नहीं आ जाएंगे, आगे पीछे आ रहे कि एक साथ आ जा रही आगे पीछे आएंगे। तो जो पहले पहले आ रहे वो ज्यादा शक्तिशाली होंगे, या जो बाद में साढ़े चार लाख के नीचे में आ रहे वो ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ज्यादा ज्ञान का दोष किसी ने धारण किया होगा पहले आने वालों? तो साढ़े चार लाख की भी नौ कैटेगरीज है, ब्राह्मणों की नौ पुरियां गाई हुई है। तो नौ पुरी से प्रभावित होने वाली प्रजा भी नौ प्रकार की है। उनमें जो पहली कैटेगरी वो ही श्रेष्ठ है। साढ़े चार लाख में भी दो ग्रुप है, तो नारायण जैसों का ग्रुप और दूसरा लक्ष्मी जैसा बनने वालों का ग्रुप। तो लक्ष्मी और नारायण जैसे दोनों मिलकर के तो एक हो जाते। इसलिए वो एक लाख कालीग्राम मोस्टली रुद्रयजी में बनाए जाते हैं। शरीर साउथ इंडिया का नॉर्थ इंडिया का उत्तर, आत्मा साउथ इंडिया की नॉर्थ इंडिया की नहीं होती। आखिरी जन्म का चोला दक्षिण भारत से हो सकता है, लेकिन आत्मा उत्तर भारत की ज्ञानी तो आत्माएं होंगी या दक्षिण भारत की होगी?
तो आप पुत्र माला के मन के सारे ही ज्ञानी हुआ हुए और वो जो आप देवता है वो तो जन्म जन्मांतर के बाप के सहयोगी है। आप से लेके अंत तक तिरासी में जन्म तक सहयोगी है लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं इसलिए अंतिम 84 में जन्म में आ गई। दक्षिण भारत के हो सकते चोले इसलिए ये भेद पैदा नहीं करना चाहिए ये दक्षिण भारत का है ये उत्तर भारत का है तो भेद पैदा करने से भेद बुद्धि बन जाए आत्मा को परखना है ये आत्मा कौन सी कैसा करेगी आत्मा को अपन आदि सनातन देवी देवता धर्म पूरी वंशी की है में जाने का लक्ष्य तभी रखते अगर लक्ष्य न रखते तो जिन चीजों के ऊपर दूसरे दूसरे धर्म का खिलका करा हुआ है वो खिलका उतर करके सूर्यवंशी कैसे बनेंगे आप इन सभी सारे चार लाख सूर्यवंशी बनेंगे या नहीं बनेंगे सभी बनेंगे
गाय का गोबर की हाँ गोबर का गणेश बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गोबर गणेश। जब दीपावली होती है तो दीपावली के बाद गोबर का गोधन रखा जाता है। क्या? गोबर से गोधन बनाया जाता है। गोबर गणेश कहते हैं, गोबर शिव नहीं कहते, गोबर शंकर नहीं कहा जाता। क्या? गोबर गणेश कहा जाता है। गोबर ही पवित्र माना जाता है। गाय अगर गाय है तो, और गाय अगर बकरी बन जाए तो बकरी गोबर नहीं माना जाता, उसकी नहीं हो मान्यता है। गाय भी गोबर की मान्यता है। प्रश्न की गीता से सारी दुनिया की आवरण कष्ट हो गई। आवरण माने इज्जत, कष्ट माने धूल में मिल गई। इज्जत खराब हो गई। और सच्ची गीता से जो शिव की गीता है, जिस गीता के दिल पर शिव की इच्छा को पड़ी हुई है। शिव माना ज्योतिबिंदु शिव नहीं, ज्योतिबिंदु शिव गीता का भगवान नहीं होता। अगर ज्योतिबिंदु शिव गीता का भगवान हो तो ज्ञान कैसे सुना ले? गीता ज्ञान दाता कहा जाता है ना, तो ज्ञान देने के लिए बिंदु रूप चाहिए या साकार रूप चाहिए? साकार रूप चाहिए। तो शिव का साकार रूप कैसे नहीं है? शिव का साकार रूप नारायण नहीं है। शिव का साकार रूप ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, कोई भी चैतन्य देवता नहीं। शिव का एक ही साकार रूप है, इसको शिव के साथ मिलाया जाता है, शिव शंकर कहा जाता है। कोई गीता का ज्ञान दाता है तो इस गीता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई है। वो सच्ची गीता से आवरू ऊंची से ऊंची बन जाती है भारत की। भारत महान हो जाता है सर्व देशों का। और जब कृष्ण की गीता कृष्ण की छाप पड़ जाती है तो भारत महान से महान स्टेज से नीचे से नीचे स्टेज में आ जाता है दुनिया की नजर। तो दो गीताएं हैं, एक गीता के दिल पर कृष्ण रूप ब्रह्मा की छाप है और दूसरी गीता के ऊपर शिवशंकर भोलेनाथ की छाप है। जैसे विष्णु के चार हाथ दिखाए जाते हैं, वह मेरी महालक्ष्मी के चार हाथ दिखाए जाते हैं। लेफ्ट हैंड में ज्ञान कलश रखा हुआ है और महालक्ष्मी के राइट हैंड में
में वो ताकत दिखाई जाती है जिससे ज्ञान बांटा जाता है, ज्ञान बल। एक हाथ है ज्ञान कलश का धारण करने वाला और दूसरा हाथ है उस ज्ञान कलश के ज्ञान जल को बांटने वाला। भक्ति मार्ग में शास्त्रों का ज्ञान धारण किया गया, संसार के सामने दुनिया की सच्ची जानकारी नहीं आई इसलिए दुनिया नीचे गिरती गई। भारत का और दुनिया अभी जब लक्ष्मी आती है तो ज्ञान कलश को सिर्फ धारण करके नहीं रखती, क्या करती है बांटती है और सीधे आपसे बांटती है, माने जिनको जिनको भी बांटती है सम्मान पूर्वक बांटती है। एक होता है ज्ञान अहंकार में आकर के दूसरों को ज्ञान देना, डांट डपट करके उनके ऊपर कंट्रोल करना, ज्ञान दिया और जिनको ज्ञान दिया उनको अपना दास दासी बनाइए। और एक होता है ज्ञान दिया दान किसको देना चाहिए, अपने से ऊंचा समझ करके ज्ञान देना चाहिए, दान देना चाहिए। तो जिसको दान दिया जाता है उनको रिगार्ड भी देना चाहिए, रिगार्ड दे करके ज्ञान देंगे तो दान तत्व पठान बन जाता है और डिसरिगार्ड पूर्वक भी किसी को ज्ञान दान देंगे तो दान कैसा बन जाएगा, तामसी बन जाता है। तो दिया दिया न दिया बराबर हो जाता है। आपने किस स्थिति में रहकर किसी को देंगे तो उसके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, देह अहंकार की स्टेज में आकर के किसी को ज्ञान देंगे अपना समझ करके देंगे कि मैं इसको ज्ञान देने वाला हूं तो ज्ञान का काम की असर होगा। दान भी चार प्रकार का होता है, तत्व प्रधान तत्व सामान्य और रजो और तमो। तो एक है बाया हाथ धारण करता है अपने तक सीमित रहता है दूसरी आत्माओं का कल्याण नहीं कर पाता और एक हाथ ऐसा है सहयोगी भगवान का जो दूसरों का कल्याण करके दिखाता है। मुसलमान लोग मना कर देते हैं जगन्नाथपुर में पंडा लोग पंडा लोग मुसलमान लोग को मंदिरों को जाने के लिए मना नहीं करते, मना नहीं करें। बारह बारह के नौ रूप है, बारह नेमा 108, उनमें से सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों को हटा दो 24, कितने रह गए 84, वो 84 साफ विधर्मी है। विपरीत धर्मों वालों से प्रभावित होने वाले लड़के, विपरीत धर्मों का छिलका उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो विपरीत धर्म के छिलके वाले वो साफ देवी की उपासना करते हैं। यज्ञ के आज में भी ब्रह्मा को फॉलो किया था बेसिक नॉलेज में और एडवांस के अंत में भी महाकाली उस जगदम्बा को फॉलो करते जिसमें ब्रह्मा की तौर प्रवेश करके कार्य करती है। भगवान बाप को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाते,
जीरो भी बन जाते हैं। माँ को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, माँ को झूठी गीता साबित कर देते हैं। झूठी गीता के दिल पर सत्य के भगवान बनने की छाप लगी हुई है। और तो 24 उम्र के वो देवी देवता कला सुंदर उनके पक्के प्रवृत्ति मार्ग के पक्के 84 अंतों वाली देवी अलग उनको कहते हैं 84 जमगर्भ। दुनिया के विनाश के निमित्त बनते हैं, सब धर्म को असत धर्म बनाने के निमित्त बनते हैं। बाप की सच्ची वाणी को झूठा साबित करने के निमित्त बनते हैं और अपनी मन मत चलाते हैं। अभी एडवांस पार्टी में भी 84 जो घंटों का राज आने वाला है। देवनागरी में कहा जाता था कि बाबा ने कन्या माताओं के हाथ में सत्ता सौंप दी, लेकिन वास्तव में हुआ क्या? कहने मात्र के लिए कन्या माताओं के हाथ में था, लेकिन सारी सत्ता पांडवों के हाथ में आ गई, जो दूसरे दूसरे धर्म से कनेक्टेड है। ऐसे ही एडवांस पार्टी में भी होता है। Oh.